मेरा प्रणाम, मैं गौरी गोवमर अमरावती गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के समकालीन कवि श्री केदारनाथ सिंह की पानी में गिरे हुए लोग शीर्षक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कृपया सुनिए। पानी में गिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर खर आसवाप लाद कर चल देते हैं कहीं और। यह कितना अद्भुत है कि बात चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है, थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान। फिर वे गाड़ देते हैं खंभे, तान देते हैं फोरे, उलझा देते हैं मूंछ की रस्सी और टाट। पानी में गिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुटलियां, खाली टिन, फुने हुए चने, वे ले आते हैं चिलम और आग। फिर मह जाता है उनके मावेशी, उनकी पूजा की कंडी बह जाती है, बह जाती है महावीर जी की आदबकद मूर्ति। घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बनी हुई हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं, मगर पानी में गिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वे हर कीमत पर छिलंगे छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पर तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाज़ें, कहीं से उठता है धुआं भेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में गिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। फिर वे जला देते हैं एक टूटी लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की कब्र पानी के पार तक पहुंचती रहे। फिर उस मध्यम रोशनी में, पानी की आंखों में आंखें डालते हुए, वे रात भर खड़े रहते हैं पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, चपक चपक। पानी में गिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को। धन्यवाद।